अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन हम देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है मेजरमेंट। जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे वो है 21। प्रॉब्लम पहले क्या देख लेते हैं कि भाई हमें मास ऑफ अर्थ दिया 5.98 × 10⁴ kg। वो कहता है मानो के जो जमीन के एवरेज मास ऑफ एटम है ना, अब जमीन तो मुख्तलिफ एटमों से बनी हुई है तो हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली तो वो कितना है 40 U। अब U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। आगे चल के देखते हैं, वो कहते हैं जनाब हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द अर्थ। तो अगर हम 40 U को एवरेज लेते हुए देखें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे जा रहे हैं जिनसे मिलके ये अर्थ बनी होगी। तो जनाब अब हमने सबसे पहले जो अर्थ है केजी में हमें मास दिया हुआ है, इसे हमने एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कार्बन का 12वां हिस्सा 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू 1 U, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम बोलते हैं 1.66054 × 10⁻²⁷ kg, जिसे हम वैल्यू दे रहे हैं। तो आपके पास अब क्या है जनाब, अब अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से ये 1 के बराबर लिखा जा सकता है, यानी से 1 से ये एक तरह से 1 U इसी के बराबर है तो 1 कंसिडर हो जाएगा। तो ये फैक्टर आप केजी केजी से काट देंगे, बाकी आप सारे को सॉल्व करेंगे तो 3.61 × 10⁵ U आ जाएगा। तो अब मैंने एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास एवरेज मास अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई एवरेज मास ऑफ एन एटम। तो टोटल मास तो ऐसे ही निकलना था ना कि एवरेज मास ऑफ एटम को टोटल नंबर से जरब दे देंगे, तो वहां से एवरेज मास में नीचे उठा लाया हूं तो वो 40 U था। ऊपर आपके पास मास ऑफ द अर्थ आया हुआ U में, U से कट जाएगा। अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जस्ट, तो 9.02 × 10⁻⁴9 आप इसे लिख सकते हैं, 9.0 × 10⁻⁴9 एटम्स। तो अगर हम 40 U ऑन एवरेज कंसीडर करें तो हम मानेंगे 9 × 10⁻⁴9 एटम से मिलके हमारी अर्थ बनी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का प्रॉब्लम था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।